चलो जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल का टाइम हो रहा। गांव में पोल्यूशन नहीं रहता देख, इसके वास्ते सुल्ताना का चेहरा एकदम ताजा है। तुम भागने का प्लान सुनते बोले तो ये ताजा बासी के चक्कर में नको पड़ा होता। अरे जंगले, तू वक्त से पहले बुढ़ा हो गया, तेरे को खदीम हलवों की जरूरत है समझा। तेरे को क्या मालूम जवानी क्या होती, और फिर वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। चलो ले लो, आखिरी निवाला है, खा लो। खुशी की लड़ी प्यार, जल्दी मुंह खोलो। चलो चलो टाइम हो रहा, घड़ी चलो चलो जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो रहा, भागो। मैं भी मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलते बैग लेके निकल जाना है। अबू स्कूल को चलो, रिपोर्ट लेने जाना है। फिर अबू क्या मुसीबत है रे भैया, तुम ला चलो, मेरे काम है जरा। आप नहीं चले तो हम भी नहीं जाते। अच्छा एक शरत पे चलता हूँ, वहाँ जाके अब्बू नहीं मामू बोलते बोले तो चलता हूँ। ओके मामू। अगर वहाँ चल के आपा आपा बोले ना तो फिर देखो। मैं जाके आता हूँ, आज तक बैग ढूंढ के निकाल। अंदर आना। मैं भी कमिंग सर। यस कमिंग। प्लीज बी सीटेड। पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपको इतने दिन से बुला रहा था, आपको अब फुर्सत मिली? अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दोनों को ये शाहरुख और सलमान ही है या आमिर भी है? जी नहीं, सिर्फ सलमान और शाहरुख ही है। अगर आमिर भी होता ना तो खानों की अच्छी खासी केमिस्ट्री हो जाती। बिल्कुल सही बोले आप, ये बात में भाईजान मिले तो जरूर पूछूंगा। क्या पा? ये बच्चे किसके है? आपा और भाईजान के। What nonsense! जब ये बच्चे आपके हैं, ये बीवी आपकी है, तो फिर ये आपा आपा क्या है? मास्टर जी इनू पागल हो गए, इनको इलाज की जरूरत है। खैर छोड़िए, आप रिपोर्ट दीजिए। हाँ ये रही रिपोर्ट। देख रहे आपा, किसान के बच्चे एक एजुकेटेड आदमी की सोबत में रह के फर्स्ट क्लास पास हो गए। उठो चलो यहाँ से। अगली रिपोर्ट सुल्तान भाई खुद आके लेंगे। सुल्तान भाई। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इमली के खेत में तितली। देखो जीजा जी, आपको छिछोरी हरकत नहीं करना बल्कि आपके बच्चों को साथ लाई। अरे क्या मैं इमरान हाशमी हूँ जो नादिदे को मलिदा मिले जैसा गप गप खाने? क्या है वो डिसेंट आदमी हूँ भाई मैं। अब्बा को इमली का अचार होना, इस वास्ते इमली तोड़ने आई मैं। आपके बाबा को अरवे लगे क्या? क्या बोले? नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब इमली की चटनी खाने की उम्र आपकी है, आपके बाबा की नहीं। अब मैं जा रही हूँ। झाड़ के नीचे बैठ के प्यार मोहब्बत की बात करते थे। मैं भी जाके अम्मी को बोलता हूँ, अब सुल्तान आंटी का हाथ पकड़ा बोल के। हाँ मैं भी बोलता हूँ। चलो बच्चों आज इनका काम करेंगे। अरे जाओ रे, बोलो जाओ, कौन डरता तुम्हारी अम्मा से? क्या आइटम है उस्ताद, मैं कौन सा नेक काम कर रहा था कि जो मेरी भीख की जिंदगी में टमाटर की चटनी बन के आई। चाहिए तो दे भाई। चाय है, प्यालियां 200 पानी है, ये अच्छी तो बनाना था। ले 10 रुपए पहले के पैसे देने के है ना? पैसे पुराना पैसे बाप देते, पैसे दो। किसके पैसे? पैसे दे रहे भाई, पैसे दो, पहले के पैसे देने के है ना? अरे नखरे कर रहे, पुराना पैसे देने के है ना? ढूंढ रहे बेटा, तू मिला तो सही, पैसे तो देने वाला नहीं है तू। मारो रे पूरे मिल के उसको, देओ रे, आओ रे फसलिया, मारो इसको। चल भाई भाई, मैं के पैसे दे रहा हूं अब्बा, छोड़ दे भाई अब्बा। अरे कीड़े पड़ो तुम लोग। उस्ताद क्या हुआ रे? हमारे भाई मेरे तो चौतरफ से फुटे ढोलके जैसा फुट गया, कौन करे ये हालत? गांव वालों के पैसे देना है कितने भाई, पूरे मिल के मारे भाई। अरे हौले मारे तो मारा खा क्या जाता, एक आध बस दारी उठा के आंख में डाल देना था, तेलुगु पिक्चर आने देखता। चल कोई बात नहीं, गांव से निकलने के टाइम एक एक को चुन चुन के मजा बताएंगे। जेब से पैसे तो नहीं लिए ना तेरे? पैसे लिए बल्कि मारे भाई। क्या सोने के कलम से किस्मत लिखा के लाया मियां, पहले नौकर फिर चोर, उसके बाद इतने बड़े खानदान का इकलौता दामाद। खैर बेटा, आज नवाब साहब के हाथों तेरी पिटाई नहीं कराया तो मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। जोर से बोलो ना, मेरे कान में क्या बोल रही अनारकली में दिल है सो? क्या गड़बड़ है वो? कुछ भी नहीं नवाब साहब। कुछ भी नहीं क्या, हिम्मत है तो साफ साफ बोलो। तुम बोलो। अनारकली मस्त माल है, बरसों से मेरी नजर थी, तू बीच में आके उड़ा के ले जा रहा कहते। घटिया आदमी, क्या बोला?
चंगेजी खानदान की बच्ची को माल बना। नवाब साहब तुम्हारे अम्मा की कसम, मैं ऐसा नहीं बोला जी, ये छोटा झूठ बोल रहा। नवाब साहब की जन्नत नसीब अम्मा की झूठी कसम खाता रे। अरे झूठे, हमारी मरुम अम्मा की झूठी कसम खा रहा। अम्मा और आपके घर दामाद को छोटा भी बोला नवाब साहब? हमारे घर दामाद को छोटा बोला? अम्मा इन दोनों से इज्जत से पेशा, समझा? खुरचनो, अरे चल जा रहे फुसफुसे, तुम लोगों को देख लेता देख लेता, चल। अरे टीपू, मेरे को रजिया और बच्चे याद आ रहे रे। अरे तुम फिक्र क्यों कर रहे सुल्तान भाई, ऐसी प्लानिंग कर रहे हो यहाँ से भागने की, इंशाल्लाह खाली तुम देखो बस। तेरे ऊपर शिकायत है, गांव में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा, इदंता एंद बीड़ा। अरे टीनेज में ऐसे गलतियां हो जाते साहब, तो आप क्या फांसी की सजा देते? देख सुल्तान, अपनी बीवी के होते हुए किसी गैर औरत पर नजर डालना तेरे लिए गुनाह है। ये तो ये खासी साहब, जब से ये हैदराबाद से आए हैं मेरे को आपा आपा बोल के मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे। बीवी को जानबूझ के बहन बोलना बहुत बड़ा पाप है सुल्तान। अरे मैं 10 बार बोल रहा हूँ, मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ बोल के, मगर आप लोग है कि बार बार रिलायंस का चिप एयरटेल के हैंडसेट में एक्टिवेट करने को जा रहे हैं। सुल्तान मेरे पास तेरा निकाहनामा है और सारे गाँव वाले गवाह है कि तेरी शादी रजिया से हुई है। हमारे लाल बादशाह पागल गाँव वाले बोले तो आपको यकीन आ रहा, शहर का एक इंटेलिजेंट आदमी बोला तो यकीन नहीं आ रहा आपको? अगर तू अकबर है तो कोई प्रूफ है तो बता। हैदराबाद में ऑटो में फिर के ऐलान कर रहे थे कार्ड बना लो बोल के, अभी ऐसा आई बना है, आज अगर कार्ड रहता तो टकले के मुंह पे मारता था। क्या सोच रहा रे तू, तेरे को अकबर के नाम से कोई पहचानता तो बता। क्या बात बोल रहे सरपंच साहब, उस्ताद को पूरा हैदराबाद पहचानता। ऐसा तो आज ही जाएंगे हैदराबाद और मालूम करेंगे तुम लोग कौन है। हैदराबाद गए तो नवाब और दिलावर मिलके अपना शोरमा बना देते। हम हैदराबाद में नहीं रहते, मुंबई में रहते, और मुंबई में हमारा कोई भी नहीं पहचानता। क्या है रे, हौला दिख रू मैं, कभी मुंबई कभी हैदराबाद, 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सुधर गए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। गांव में ऑक्टोपस पॉल रहता तो अभी क्लियर कर देता था कि मैं सुल्तान नहीं अकबर हूँ। खरीद लेंगे ऑक्टोपस। सुल्तान अगर तू पागलपन में अपनी बीवी को बहन कह रहा है तो इसका इलाज है, अगर जानबूझ के कह रहा है तो तेरे लिए ये रिश्ता खत्म। खत्म हो जाना या किसको, अपन तो सुल्तान है ही नहीं। बस अल्लाह खैर करे। उस्ताद ये गांव वाले तुम्हारे रजियापा का मर्द बना के छोड़े सरकार दिख रहा मेरे को। इतने दिनों में एक बात समझ में आई रे कि रजियापा का मर्द सूरज चाल ढाल में मेरे जैसा है बोल के। सोने पे सुहागा, उनका नौकर टीपू भी मेरा सरकार दिखता करते। कुछ भी हो बाप, सारी दुनिया भी अगर अपने को रजियापा का मर्द बना देना तो अपन ये बात ना माने हैं ना मानेंगे। और जरा सुल्ताना के मामले में सीरियस नको, नहीं तो पूरे गाँव वाले हलीम गोटा सरकार घोट देंगे अपने को। चांस लेके देख रहा हूँ, पटी तो पटी, नहीं तो कैटरीना के फ्रेडी बोल के निकल जाना है। फिर शेरवानी का दीवाने बातें नको कर, शेरवानी कैसे तो इतनी परेशानी झेल रहे, उसके बाहर कैसे जाते रहे? खाली बातों से नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। फिक्र मत कर, शेरवानी के लिए सारा घर खोद देंगे। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप। अरे फ्लास, तेरे से तो अमिताभ बच्चन अच्छा है, देख जाके धर्मेंद्र की शादी की बात कर रहा। बुरा नहीं तो उसमें क्या है, मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारी शादी की बात, कल ही करता हूँ। ऐसा सही बोल रहा? अब ज्यादा मस्का मत मारो, कल जाता हूँ। जाके शादी की बात ऐसा कर कि उसका बाप सहरा लेके आ जाना गाते हुए, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। क्या बोलता? देखिए फिर यकीन करो मामू, मैं आपकी लड़की का अच्छा ख्याल रख लेता हूँ। दिमाग खराब हो गया खलील तेरा, जरा एक बार और अच्छा सोच लेना था। एक बार सोच लेना था, अरे 1000 बार सोच लिया, चल निकल। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे जा। भुगतो ये लंगा भुका मेरी बच्ची से शादी करता करते। वालेकुम चिच्चा। वालेकुम सलाम, आओ टीपू बैठो। फिर वही टीपू चिच्चा, घर में बेर का झाड़ रहा तो फतरे आते, बच्ची अगर रही तो रिश्ते आते, मगर ये पहाड़ कई को आया रिश्ते के सिलसिले में। तेरा रिश्ता तो नहीं लाया ना? अरे मेरा नहीं चिच्चा, मेरे उस्ताद का रिश्ता लाया। वो इस बोल रहा हूँ, कई को बोले तो मेरी बच्ची दुबली पतली है, वैसे तेरा उस्ताद करता क्या? मेरे उस्ताद हैदराबाद में टॉप के टेलर है। टेलर है, ड्राइवर रहता तो अच्छा रहता था। वैसे छोड़,
तेरा उस्ताद शौखा क्या करता? शौखा छालिया भी नहीं खाते। छालिया भी नहीं खाता? इतना गरीब है तेरा उस्ताद? हाँ, अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामा चाहिए। गरीब शरीफ नहीं चलता। आप गया सो पुट्टे को देखा? और देखा, गांव का सबसे शरीफ पुट्टा है मगर कंगाल है। मेरे शौखा पूरे कर सकता रे उन्हें? कैसा दामा तुम? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामा है तो देख, तेरे को भी कमीशन देता हूँ। एक बार उस्ताद को देख लेना था। अरे जा भाई जा, इफ्लासियों को देखे तो घर में इफ्लासी आती करते। अफसोस, मैं इतना समझाने के बावजूद भी आप एक अच्छे रिश्ते को टुकरा रहे। बेचारे उस्ताद अब क्या कर लेते कि कहने की। खैर चलता हूँ चाचा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। 35 साल में जमाना कितना चेंज हो गया। शोले की मौसी धमिंदर गुड़ है बोल के बसंती को नहीं दी, और ये मौसा गुड़दामत होना पड़ा। మొన్న మనోడు ఒకడు పట్నంకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసిండు, ఆడ బియ్యం కొనీకపోతే చాలా అగ్గో చెప్తున్నారంట. మన తన ఒడ్లు చూస్తేనేమో సస్తాలు అడుగుతున్నారు. అయితే ఎట్లా బతుకుతాం కాక. నమస్తే సర్పంచ్. నమస్తే. రేయ్ ఇదరా క్యా రే టిప్పు, పుకట్ మే జీనే కా ఇరాదా కర్ లియా క్యా? కైకో ఐసా బోల్ రే సర్పంచ్ సాహబ్. కైకో ఐసా బోల్ రహా హూ, పూరే గాంవ్ సే కంప్లైంట్ ఆ రహే తేరే ఉపర్, దూధ్ వాలే సే పుకట్ మే, पान के डब्बे वाले से पुकट में, और किसी से उधारी में। कब तक करते रहता रे ऐसे कामा, कब सुधरता रे? शर्म कर, शर्म कर। चेस। चेस। जन 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 रम रम रम। वो खराबात की जमीन का क्या हुआ? उसी की बात चल रही है। अच्छा, काम हो जाए तो 10 करोड़ की बात कर लीजिए, कल ही एडवांस क्या झूमर लगाया अभी। शहर के पूरे अय्याश खोर यहीं दिख रहे मेरे को। वाह, क्या पैसा लुटा रहे हो सत लोगा। मेहनत से नहीं कमाए रे, मेहनत से कमाए तो ऐसा नहीं लुटाते। वो सब जान दे मैं नवाब तो दिख रहा ना। पूरे नवाबा पानी भरना तुम्हारे सामने। ऐसा बोलता, चल आज तेरे को पार्टी दे दो। इल्लों से अच्छी तुम्हारे उस्ताद की दिख रही शेरवानी। लीजिए ना साहब, अन्ना शरबत चारों के हाथ से। अरे क्या बड़ा आदमी निकला भाई नवाब, शाहरुख खान को वेटर रख लिया। और फिल्मा नहीं चल रही ना आजकल, पब्लिक सिर्फ हैदराबादी कॉमेडी होना बोल रही समझा। मैं सुना ऋतिक रोशन काइट्स के बाद पतंगा बेच ले रखे थे। ऐसा? और कुछ चाहिए साहब आपको? अरे जरूरत पड़ी तो मंगा लेते शाहरुख भाई। मेरी शेरवानी जरा मैं खाने को कुछ है क्या देख के आता। ये शेरवानी। अच्छा तुम्हें पसंद है तो हम तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। हम चंगेजी खानदान के वारिस, तेरे से शेरवानी पूछेंगे। योर हाइनेस, इसने आपकी शान में गुस्ताखी की क्या? ये आदमी हमसे हमारी शेरवानी मांग रहा है, जबकि हमने इसे कह दिया है कि हम ये शेरवानी तुम्हें पार्टी के बाद दे देंगे। मगर नए फकीर को भीख की जल्दी, तो इसे भी जल्दी है। ये शेरवानी हमारी है, हम छोटू दर्जी को दिए थे ड्राई क्लीन में धोने के लिए। जरा सुनिए आप लोग, ये मेरे गरीब दोस्त को परेशानी में इतना भी याद नहीं कि दर्जी के पास शेरवानी सिलाने के लिए दी जाती है, धुलाने के लिए नहीं। चलिए ये आदमी आपको पागल कर देगा, आइए चलो उठो बा नवाब शेर खान साहब। आप कौन से एरिया के नवाब है? बैगन पल्ली के नवाब है। ऐसे कैसे हो सकता, बैगन पल्ली के नवाब तो हम हैं, नवाब इकबाल खान रईस सतौला। तो क्या बड़ी बात है, बैगन पल्ली में तुम्हारे सर के छोटे मोटे नवाब बहुत हैं। वहाँ के सब नवाबों को जानता हूँ लेकिन इन्हें कभी नहीं देखा। क्या हरकत कर रहे हैं ये अकबर बीरबल, बड़े लोगों की महफिल में आके क्या तो भी कर रहे हैं छोटे। नवाब साहब की शेरवानी उतार।